तो डेली यूज सेंटेंसेस में आज का फर्स्ट वर्ड है उसने तुमसे किसी कॉल करवाई होम डिड ही मेक यू कॉल होम डिड ही मेक यू कॉल नेक्स्ट वी हैव तुम्हें ये करवाना पड़ेगा इसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस है यू विल हैव टू गेट इट डन यू विल हैव टू गेट इट डन नेक्स्ट है मैं तुमसे नहीं खरीदवा सकता I can't, i can't make you purchase i can't make you purchase और next we have क्या वो उसे हंसा सका क्या वो उसे हंसा सका could he make her laugh could he make her laugh और नेक्स्ट सेंटेंस है डेली यू सेंटेंसेस में काफी ज्यादा यूजफुल है अब जाने भी दो let it go let it go now let it go now तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो यू आर मेकिंग मी फाइट हिम यू आर मेकिंग मी फाइट हिम और नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें जाने दे सकता था मैं तुम्हें जाने दे सकता था आई कुड हैव लेट यू गो आई कुड हैव लेट यू गो नेक्स्ट है मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ आई कैन गेट यू समथिंग टू इट आई कैन गेट यूज समथिंग टू इट और नेक्स्ट है जिसका यूज़ डेली यूज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस है क्या तुम मुझे इल्ज़ाम पास करा सकते हो कैन यू मेक मी पास द एग्ज़ाम या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं कैन यू गेट मी पास द एग्ज़ाम और नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव विच कैन यूज़ डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन सो काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेस है मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ आई कैन गेट यू पास्ट आई कैन गेट यू पास्ट नेक्स्ट वी हैव तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते यू कॉन्ट मेक एवरी वन हैप्पी नेक्स्ट इसको ऐसे ही कह सकते यू कॉन्ट प्लीज एवरी वन और नेक्स्ट और नेक्स्ट सेंटेंस है जिसका यूज़ हम डेली उस कॉन्वर्सेशन में करेंगे काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है वो मुझे बर्गर खिलाता है वो मुझे बर्गर खिलाता है ही गेट्स मी बर्गर ही गेट्स मी बर्गर और नेक्स्ट है वो मुझे अच्छा खाना खिलाता है वो मुझे अच्छा खाना खिलाता है ही गेट्स मी गुड फूड ही गेट्स मी गुड फूड वो मुझसे लिखवाता है ही मेक्स मी राइट He makes me write. वो मुझसे काम करवाती है He makes me work वर्क सॉरी शी मेक्स मी वर्क नेक्स्ट है वह तुमसे क्या करवा काम करवाती है What does शी मेक यू डू What does शी मेक यू डू और नेक्स्ट है वो मुझे भिजवाता है ही मेक्स मी गो ही मेक्स मी गो और नेक्स्ट है वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है समन इज मेकिंग में फुल शी इज मेकिंग में फुल लाइक समन उसको फुल बना रही है उस टाइम पे यूज उस करते उसने मुझे समझाया शी मेड मी अंडरस्टैंड शी मेड मी अंडरस्टैंड नेक्स्ट है मैं तुमसे काम करवाऊँगा मतलब मैं तुमसे काम करवाऊंगा आई विल मेक यू वर्क आई विल मेक यू वर्क या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई विल गेट द वर्क डन बाई यू आई विल गेट द वर्क डन बाई यू और नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव विच कैन यूज डेली यूज कॉन्वर्सेशन काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है तुम हमें हंसाते थे तुम हमें हंसाते थे यू मेड अस लाफ यू मेड अस लाफ और नेक्स्ट है इसे अपनी ही चीज समझें इट्स ऑल योर्स इट्स ऑल योर्स नेक्स्ट है मैं क्या करवाता हूँ वॉट डू आई गेट डन वॉट डू आई गेट डन और नेक्स्ट है मैं तुम्हें समझा नहीं सकता आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड कांट मीन स्कैन प्लस नॉट इसकी शॉर्ट फॉर्म है आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट है तुम कहना क्या चाहते हो सो so, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वट डू यू वॉन्ट टू से वट डू यू वॉन्ट टू सो ये लास्ट था थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अपना ध्यान रखते रहिए और अपने फैमिली का ध्यान रखते रहिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली